हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज मैंने पहली बार कोई एक्शन कैमरा या तो कोई भी कैमरा मैंने आज पहली बार परचेज़ किया है। तो इसमें मैंने लिया है GoPro 11 प्लस। और GoPro 11 मेरा लेने का सबसे मेन उद्देश्य ये था क्योंकि मैं अकेला हूँ, रिकॉर्डिंग अकेले करना पड़ता है। तो अगर जैसे मैं बाइक से भी जा रहा हूँ तो अपन ब्लॉग बनाने के लिए कहीं भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो छोटा सा है, आप कहीं भी इजीली इसे हैंडल या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। और ये मैं डीबी मॉल से लिया हूँ, डीबी मॉल में भोपाल से परचेज़ किया हूँ, रिलायंस डिजिटल से। बेसिकली मेरा लेने का भी कोई प्लान नहीं था और लेकिन गया वहाँ पे दिखा तो मैं इसलिए ले लिया। तो चलिए ओपन करते हैं। ये जो आप सील देख रहे हैं ये मैंने रिलायंस डिजिटल पे ओपन हुआ है ये सील जो आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ चेक भी करना था कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। तो जब अपन ने वहाँ पे चेक किया था तो वहाँ पे मुझे मिला था ये बॉक्स, जो है बॉक्स बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना। तो GoPro के साथ मुझे यहाँ पे मिला है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक चार्जिंग केबल है टाइप सी, तो इससे मैं इसमें इजीली चार्ज कर सकता हूँ। और एक माउंट मिला है, ये माउंट आप कहीं भी लगा सकते हैं। और ये स्क्रू मिला है, तो स्क्रू एक्चुअली इसको टाइट करने के लिए स्क्रू है, तो साइड में रखते हैं। और ये एक माउंट है, तो ये माउंट आप इसमें लगा सकते हैं या पैसे लगा के, मतलब आप कहीं भी चिपका सकते हैं इसको, है ना। ये ऐसे निकालते हैं और ये ऐसे करके लगा देते हैं तो ये इजीली लग गया। तो आप इसे कहीं भी चिपका दीजिए, जैसे हेलमेट में चिपकाना है आप तो हेलमेट में चिपका दीजिए। तो ये इसके लिए है। और फाइनली ये है मेरा GoPro कैमरा और फर्स्ट कैमरा है। और भोपाल में भी ये जो कैमरा है ये फर्स्ट कैमरा ही होगा, क्योंकि अभी तक भोपाल में कोई किसी भी यूट्यूबर्स ने ये कैमरा का रिव्यू नहीं दिया है, ना तो किसी भी यूट्यूबर ने ये कैमरा अपने को नहीं दिखाया अपने वीडियो पे। तो ये इसका पावर ऑन ऑफ है और इससे मूड चेंज होता है, जैसे आप फोटो ले रहे हो वीडियो ले रहे हो तो मूड चेंज होता है। और ये अपन ये माउंट जो है तो इससे अपन कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे लगा दिया। और लगाने के बाद अपन कहीं भी इजीली इसको ले जा सकते हैं जैसे ये, और फिर इसको अपन कहीं भी लगा सकते हैं। तो ऑन करके मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली बैटरी थी तो बैटरी मेरी इसी के अंदर है, तो आप यहाँ से बैटरी भी निकाल सकते हैं। तो ये बैटरी, और बैटरी आप चाहो तो निकाल सकते हो इससे, और अच्छी छोटी सी बैटरी है। और इतना आइडिया तो मुझे नहीं है लेकिन हाँ अच्छी बैटरी है, तो इसको लगाते हैं। और यहीं पे ये मेमोरी कार्ड भी लगता है, तो साइड में मैं मेमोरी कार्ड ऑलरेडी लगा के रखा हूँ। ये लगाते हैं और ये चार्जिंग पिन है, तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। और अपन इसको बंद करते हैं और अब ऑन करते हैं। एक्चुअली मैंने ये कवर अभी निकाला नहीं है, और सामने कवर इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि ये इस केस लग जाएगा, और जब तक इसका टेम्पर्ड ग्लास मैं नहीं ले लेता तब तक मैं इसे नहीं निकाला। थोड़ा सा अपन ने प्रेस किया और ये ओपन हो गया। तो ये कैमरे की अच्छी क्वालिटी है, तो आप चाहो तो ये रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गया इसमें, तो अपन रिकॉर्डिंग इसमें ऑफ करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया। तो बहुत इजी है, मतलब इसे यूज़ करना हैंडल करना बहुत इजी है ना। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया है, तो आप इसे बहुत ही जल्दी आप इसे मतलब वो कर सकते हैं, तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। तो उम्मीद है और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।